हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली टू माय चैनल अंकिता स्पर्ट। आज हम कुछ अलग करेंगे। वैसे मेरे चैनल में एक टाइप के वीडियो नहीं आते, इसलिए मैंने चैनल का नाम अंकिता स्पर्ट रखा है। अलग अलग टाइप के वीडियोस आपको इस चैनल में मिलेंगे जो मेरे प्रोफेशन से थोड़े से अलग है और मुझे उनका शौक है। तो आज मैं एक पेंटिंग लेके आ रही हूँ। वैसे तो कैनवास पे, वुडन पे, एमडीएफ बोर्ड पे, काफ़ी जगह पे आपने काफ़ी सारी पेंटिंग्स देखी है, लेकिन आज मैं एक फेमस पेंटिंग है जो प्लेट पे करते हैं। तो बाहर अगर आप लेने के लिए जाएंगे तो एक प्लेट पेंटिंग का दाम काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसमें भी पिछवाई पेंटिंग जो कि नारद्वारा से फेमस हुई है। तो पिछवाई पेंटिंग मोस्टली जो भी वैष्णव पंथक है उन लोगों के जो भी सिंबल है उससे रिलेटेड होते हैं। तो मैं आपको आज प्लेट में पिछवाई पेंटिंग कैसे करते हैं वो दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने इस टाइप की प्लेट्स ली है। ये आसपास के लोकल मार्केट से मुझे जितनी मुझे चाहिए थी उतनी नहीं मिली थी अच्छी वाली, तो मैंने अमेज़ोन से परचेज़ की है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मुझे करीबन 6 प्लेट का सेट 600 के अराउंड पड़ा है, मतलब कि एक प्लेट 100 रुपीज़ के अराउंड। प्लास्टिक मटेरियल अच्छा है। अगर आप इसको वॉल पे हैंग करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, और लंबे समय तक इसको हम एज अ डेकोर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने इसके लिए मेरे पास फेविक्रिलिक के एक्रेलिक कलर है, एक्रेलिक कलर लिए हैं मैंने, अपने पेंट ब्रश लिए हैं और एक पैलेट लिया है। तो पहले हमें क्या करना होता है, तो पहले एक मैंने इसके लिए एक प्लेट पे जैसे अप्लाई किया था, लेकिन उससे मुझे काफ़ी मज़ा नहीं आया क्योंकि उससे थोड़ी सरफेस रफ हो जाती है। तो अगर हो सके तो वाइट एक्रेलिक बेस बनाने के लिए वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ कीजिए आप। और ये जो प्लेट है उसके ऊपर प्रिंट करने के लिए आप येलो कार्बन या फिर ब्लू कार्बन आजकल सभी जगह मिल जाते हैं। येलो कार्बन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है इंटीरियर एरिया में। तो मैंने पहले एक ये जो मुझे जो भी पेंटिंग चाहिए थी उसको मैंने एक ब्लैंक पेज पे प्रिंट ड्रॉ किया, और उसके बाद इस तरह से मैंने ब्लू कार्बन से इस पर प्रिंट किया है। अभी बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है और क्लियर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। जब हम इसकी आउटलेट करेंगे तो फिर आउटलाइनर में ये हमें क्लियर दिख जाएगा। ये एक गाय का पेंटिंग है और उसके आसपास हमें कमल तलाई दिख रही है। तो इस तरह से इसको पेंट करना है। ऐसे ही काफ़ी सारी प्लेट मैंने बनाई है, इसका भी मैं अलग से वीडियो एक बनाऊंगी। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे वो हम आगे आपको दिखाते हैं। तो हमारी ये प्लेट है, इसको हम पेंट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम गाय में पहले तो वाइट कलर करेंगे। लोग यूट्यूब में देखते भी हैं। मैंने इधर रूम में नीचे की तरफ एक प्लास्टिक का शीट बिछाई है जिससे कि टाइल्स और वो सब खराब ना। Thank you.
थोड़ा सा कम नंबर वाले ब्रश का यूज करूंगी। मैंने दो नंबर राउंड ब्रश यूज किया है इधर।
हम ये ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर के अंदर हम थोड़ा सा वाइट कलर लेंगे। आउटलाइन हो चुकी है और हम थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे 3D आउटलाइनर से। हमारे पास 3D आउटलाइनर है जिससे हम अच्छी तरह से छोटी छोटी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये मेरी प्लेट होके रेडी हो गई है, तो एक आप देख सकते हैं कैसी दिखती है। मुझे प्लीज़ कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए। नए नए वीडियो मैं आपके साथ लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।